है गाइस, क्या हाल आप सभी के साथ। आप लोग का एक और नए नए वीडियो में आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों भी भाई, आप लोगों की इतनी ज्यादा फरमाइशें आ रही थी ना यार, क्योंकि मेरे चैनल के सबसे पॉपुलर वीडियोज है VI के ऊपर। भाई VI से प्रीपेड टू पोस्टपेड मैंने किया तो किया कैसे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि ऑनलाइन किस तरीके से आप प्रीपेड टू पोस्टपेड कर सकते हो। बट काफी सारे लोगों की यही तकलीफ थी कि उन लोगों ने मजे मजे में प्रीपेड टू पोस्टपेड तो कर लिया, बट आप वो पोस्टपेड से प्रीपेड वापस नहीं कर पा रहे। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से VI का पोस्टपेड टू प्रीपेड कर सकते हो, और अगर आप पोर्ट भी करते हो तो किस सिम में कर सकते हो, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, भाई कितना पैसा पे करना पड़ेगा, बिल कितना आएगा जो अभी हमने पे करा है उसका, या जितना यूज किया है उसका बिल कितना आएगा, हमें पे कितना करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के, जो कि मैं आज के इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप लोगों से एक अपील भी है जो कि वीडियो के आखिर में करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना। चलिए यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू। तो भाई सबसे पहले तो पोस्टपेड से प्रीपेड VI में करने के लिए मेरे को एक भी YouTube के ऊपर ऐसा प्रॉपर वीडियो नहीं मिला जिसने मेरे को कंप्लीट गाइड किया हो। मैंने सोचा क्यों ना यार, हम खुद ही बना देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी मैंने। मैं सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करा, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि यार अगर आपको पोस्टपेड है प्रीपेड करना है, तो सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछे, बहुत ढेरों सवाल पूछे मुझसे कि यार क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उनको सब चीज समझाई कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरे को इतना अफोर्डेबल नहीं लग रहा। उन्होंने बहुत कन्विंस करने का ट्राई करा मेरे को, बट स्टिल उन लोगों ने मेरे को प्रोसेस बता दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, हम आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं, बाकी आप भी 199 पे एक मैसेज भेज दीजिए। क्या मैसेज था मैं आपको दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी 199 के ऊपर मैंने ये मैसेज भेजा था, पोस्ट टू प्री, POST नंबर वाला 2 और PRE, ठीक है, कैपिटल है PP और बाकी सारे स्मॉल है। ये मैंने एक बार भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर एक और बार भेजा मैंने गलती से, तो मेरे पास दो बार ये आया, देखिए वी हैव नोटेड यूर इंटरेस्ट एंड समथिंग। तो उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया, ठीक है, कॉल अराउंड 4 या 5 घंटे लगे होंगे, और मेरे को उन लोगों ने कॉल करा। कॉल करके कहते हैं, और ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कितनी बार मैसेज करा, देखो ये 2 बार 3 4 5 6 बार मैसेज करा। भी 6 बार क्यों करा मैं बताता हूँ। पहले मैंने 2 बार मैसेज करा, उसमें मेरे को कॉल आया 5-6 घंटे बाद, कहते हैं कि सर आप क्यों करना चाहते हैं। मेरे को फुल पूरी तरीके से कन्विंस करने का ट्राई करा बंदे ने, मतलब करीबन मान लो 20 मिनट उसने मेरे को समझाया कि सर मत करिए मत करिए, आप एक काम करिए 399 वाला प्लान ले लीजिए, बट प्लीज आप पोर्ट मत करिए। मतलब मैंने उससे बोला कि सर मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं VI प्रीपेड करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा बेटर प्लान लग रहे हैं, मेरे को इसके अंदर नहीं रहना पोस्टपेड के अंदर। बट फिर भी बंदा मेरे को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि सर 399 वाले ले लीजिए। मैंने भी उसको कन्विंस कर लिया कि मेरे को करना ही है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं बता देता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, सिर्फ आपको करना क्या है, आप सिर्फ VI के स्टोर में चले जाना, जो भी सबसे VI का मेन स्टोर है उस स्टोर में जाकर आपको सिम लेना पड़ेगा दूसरा। मैंने कहा सर प्रीपेड टू पोस्टपेड तो बिना सिम के हो गया था, नई सिम के ऑनलाइन हो गया था, ये क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा सर अभी तक सर्विस आई नहीं है, अगले महीने से आएगी पोस्टपेड टू प्रीपेड की, तो आप जब कर सकते हो, बट स्टिल आपको अभी फिलहाल नई सिम लेना पड़ेगा, नंबर यही रहेगा, कोई पैसा नहीं देना आपको, वहां पे भी स्टोर के अंदर भी कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ सिम लेके आ जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। मैं क्या अपने क्लोजेस्ट स्टोर पे, तो वो लोग कहते हैं कि सर यहाँ नहीं है, जो मेन स्टोर है वहां जाना पड़ेगा, और मेन स्टोर जो था वो था अराउंड 110 किलोमीटर मेरे घर से, 110 किलोमीटर दूर, विच इज डेफिनेटली कोई स्मार्ट मूव नहीं था कि भाई मैं 110 किलोमीटर जाके वो लेकर आऊँ 500-600 का पेट्रोल जला के। तो डेफिनेटली मैंने मना कर दिया, मतलब कस्टमर केयर को मैंने वापस कॉल किया और मैंने मना कर दिया कि सर मेरे को नहीं करना। उसके बाद फिर मैंने वापस पोस्ट टू प्री का ये डाला, मैंने कहा कि सर मेरे जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो वो मैम थी बेसिकली, वो मेरे से कहती हैं प्लीज सर एक काम करिए, आप मत ज्वाइन करिए, आप ये कर लीजिए आप वो कर लीजिए। उसने बहुत सारे ढेरों ऑफर दिए। मैंने उसको कहा कि सर मैम अगर मेरी यही हालत रही, मैंने उसको क्या क्या बोला मैं बताता हूँ। मैंने कंप्लेन करी अबाउट स्पीड, मैंने इतना सुनाया है ना, मैंने कहा डाउनलोडिंग स्पीड आपकी 150-200 KBPS पहुंच जाती है कभी कभी, अपलोडिंग स्पीड आपकी 1-2 Mbps है, जो कि 100-150 KBPS की होती है, 3G नहीं है ये, 3G की स्पीड भी नहीं है, या 5G की तैयारी कर रहे हो, 3G की स्पीड भी नहीं दे पा रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा कि आपकी लेटेंसी, अगर मैं गेमर हूँ तो आपकी लेटेंसी इतनी बकवास है, वो 200 से ऊपर ही रहती है, उससे कम नहीं होती, विच इज द वर्स्ट लेटेंसी आई हैव एवर प्लेड। वो बंदी भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना चिल्ला लिया ना, वो बंदी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, एक बार तो मेरे पे चिल्ला दिया था सर सुन तो लीजिए मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे सिर्फ 72 आवर्स दे दीजिए, 72 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैम, ये बोल के कट किया मैंने, मैंने ये कहा। उसके बाद फिर अगले दिन 48 आवर्स के अंदर मैंने देखा मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला, ना ही कुछ भी मिला। मैंने फिर से मैसेज किया पोस्ट टू प्री का, इन लोगों ने फिर से मेरे को वही हरकतें करी। क्या हरकत करी मैं बताता हूँ। मेरे को कॉल करते हैं, मैं कॉल पिक करता हूँ, कॉल कट हो जाता है। ये मेरे साथ 7-8 बार हुआ है 2 दिन के अंदर।
दो दिन के अंदर 7 से 8 बार मेरे को कॉल करते हैं और कॉल कट हो जाता है। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा भाड़ में जाए, मेरे को रहना ही नहीं है इस सर्विस में। मैं गया पास के स्टोर पे और मैंने उसको भाई कहा, भाई जो भी ऑफर चल रहा हो उस ऑफर में मेरी सिम पोर्ट कर दे। मैंने पोर्ट का SMS भेजा, पोर्ट का SMS भी कैसा भेजता है दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको बस 1900 पे जाना है और ये SMS भेजना, देखिए पोर्ट स्पेस लगा के आप अपना नंबर लिख दीजिए। मैंने ये अपना लिखा, PORT कैपिटल स्पेस अपना नंबर लिखा और भेज दिया। उसके बाद तो भाई मतलब 24 घंटे के अंदर मेरे को अराउंड 15 से 20 बार कॉल आया। पहले 2 बार में मैंने उससे बात करी, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, कितनी बकवास सर्विस है आपकी, आप मुझे कॉल आ रहा है भाई कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है, इतनी बकवास सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत सुनाया मैंने, फिर भी जाके उसने कहा कि सर प्लीज़ आप मत जाइए, आप एक काम करिए पोस्ट पेड कनेक्शन जो आपका है उसको आप सबसे कम वाला 399 कर दीजिए, उसमें भी मैं आपको 299 रुपीज़ पे करिएगा, जिसका प्राइस 399 था और आपको 40 GB की जगह 140 GB मिलेगी। 299 में 140 GB और 399 में कितना मिल रहा था, सिर्फ 40 GB। तो मैं काफी पुराना कस्टमर था करके इन लोगों ने मेरे को ये ऑफर दिया, बट मैंने उसको भी ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे भाई ये 699 का भी पे करना पड़ता अलग से, इसका तो पे करना पड़ता, उसके बाद ये 299 अलग से पे होता तो उसका पता नहीं कितना बड़ा बिल आता। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार छोड़ो अपन तो पोर्ट ही कर लेते हैं। मैंने 24 घंटे के लिए कस्टमर केयर का कॉल ही नहीं उठाया। 24 घंटे बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हो पोर्ट रिक्वेस्ट, मैंने इनका कॉल नहीं उठाया। उसके बाद जाके मेरे को इनका कॉल आना बंद हुआ 24 घंटे बाद और मेरी सिम जो है एयरटेल प्रीपेड के अंदर पोर्ट हो गई। तो इस तरीके से मैंने VI पोस्टपेड से एयरटेल प्रीपेड के अंदर पोर्ट किया। अभी मैं आप लोगों को क्या क्या दे सकता हूँ, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मेरे को एयरटेल कॉम्प्लीमेंट्री 1.5 GB पर डे दे रहा है, अनलिमिटेड कॉल्स दे रहा है फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्ज, कोई पैसा नहीं देना। मेरे को पोर्ट करवाने का भी कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ फ्री था। और दूसरी बात, मैंने कोई बिल भी पे नहीं करा VI का, मेरे को कोई बिल ही नहीं आया। पे करने की तो बात ही दूर, मेरे को बिल आया ही नहीं, मेरे को कोई बिल नहीं आया क्योंकि मैंने 12 दिन पहले ही मैंने पोर्ट करवा ली थी सिम, तो इस वजह से मेरे को कोई बिल भी पे करना नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करिए, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, भाई मेरा नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, तो भाई इन लोगों के पास एक बैंडविड्थ कैप होता है जो कि ये लोग कस्टमर के ऊपर लगा के रखते हैं, एरिया के ऊपर लगा के रखते हैं। तो आप एक काम करिए, अगर आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है या स्पीड का इशू आ रहा है तो सबसे पहले तो आप पोर्ट का मैसेज भेज दीजिए। पोर्ट मत करिएगा भले ही, पर मैसेज भेजिए। इससे होगा क्या, ये लोग आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और सीरियसली ये लोग कॉल करके आपकी रिक्वेस्ट सुनेंगे। आप इनको बोलिए कि मैं नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरे को इतनी बेकार सर्विस देखने को मिल रही है, स्पीड नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। और इन लोगों ने एक्चुअल मेरी स्पीड सही कर दी थी फॉर सम टाइम बीइंग, मतलब जिस दिन मेरा पोर्ट होने वाला था ना एयरटेल में, उसी दिन मेरे को ये मैसेज आया कि आपका स्पीड अभी सही हो चुकी है। और हाँ, एक्चुअल में ठीक ठाक थी, 3 MB/s की स्पीड मेरे को मिल रही थी डाउनलोडिंग की, और अपलोडिंग की भी अराउंड 1.5 MB, जो कि मेरे लिए इनफ नहीं थी एक्चुअली, तो इस वजह से मैंने फिर पोर्ट कर लिया था। बट आप ये चीज़ कर सकते हो, पोर्ट का मैसेज भेज दीजिएगा, पोर्ट भले ही मत करिएगा पर मैसेज भेज दीजिएगा, फिर ये लोग आपको बोलेंगे कि सर मैं कर देंगे, हम कर देंगे, आपकी स्पीड वापस सही कर देंगे, आप प्लीज़ मत जाइए। तो आप कैंसिल का भी वापस मैसेज भेज सकते हो 1900 के ऊपर, कैंसिल उसके बाद स्पेस लगा के अपना नंबर लिखोगे तो आपकी पोर्ट आउट रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो यार, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया है। अगर VI देखा जाए तो बहुत बढ़िया सिम है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, आपको इतना सारा डेटा देता है। बट दिक्कत आती है कभी कभी जब इन लोगों के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि भाई मेरे को कॉल कर रहे हैं, कॉल उठा नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को फिर मतलब करना ही पड़ा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपके आसपास अगर VI का स्टोर है तो डेफिनेटली आप VI स्टोर से जाकर ये चीज़ कर सकते हो, आप VI प्रीपेड के अंदर चेंज करवा सकते हो। मेरे आसपास नहीं था तो मैंने दूसरी सिम ही ले ली, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं थी सही बताऊँ तो, मैं पोस्टपेड में भी रह सकता था, पर मैंने प्रीपेड इसलिए करा क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी मैं दूसरी जो मेरे पास सिम है जियो की है उसको वापस से VI में करवाऊँगा क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी तो मेरे को तो करना ही था। देखो पोर्ट तो करवाना था, पोर्ट नहीं करवाना था बेसिकली, मेरे को प्रीपेड में कन्वर्ट तो करना ही था क्योंकि आप लोगों को बताना था, तो इसलिए मैंने प्रीपेड के अंदर कन्वर्ट किया और ये मैंने पोर्ट के ज़रिए करा है। पर इसका ऑफिशियल मेथड भी है, आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो या फिर VI के स्टोर में जा सकते हो, वहाँ पर ही आपको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर देंगे 0 रुपीज़ में, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे को ये चीज़ एक्चुअल में कस्टमर केयर ने बताई है। और अगर कोई स्टोर वाला आपसे पैसा ले रहा है VI के स्टोर वाला, तो आप बोल दीजिए भाई कस्टमर केयर ने मेरे को 0 रुपीज़ का बोला
और फिर भी पैसा मांगता है, तो आप VI के अंदर कंप्लेन कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यार यही था आज के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वाले वीडियो में, तब तक लिए कहते रहिए राधे राधे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो, या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।